लोकेशन क्या सब कुछ दे दूंगा, लेकिन कौन बोल रहा है तो इसे बता। मैं तो फोन भी बोल रहा हूँ, उसको कर सकता है क्या काम? पुलिस थाने जाएंगे तो उसकी रिपोर्ट करवाएंगे, क्या करें हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए। राम राम भाइयों, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। भाइयों आज हम बहुत परेशान हैं और ये वीडियो हम नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन क्या करें हमारी मजबूरी है इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। क्या करें दोस्तों, आज हम बहुत सैड है बहुत, क्योंकि भाइयों आपको पता है हमसे अभी मतलब 4-5 दिन पहले राकेश भाई 400 वाला हमसे मिलने आया था, और राकेश चिंकू को मतलब धर्म की बहन बना रखा है। तो दोस्तों अभी अभी उसने थोड़ी देर पहले हमारे पास रिकॉर्डिंग भेजा है, क्योंकि उसने उसके पास किसी ने कॉल किया होगा, उससे हमारी बात नहीं हुई, क्योंकि वह मतलब रिकॉर्डिंग भेजा था ना जिस टाइम में देखा नहीं था, लेकिन उसी 5-10 मिनट बाद मैंने उसके कॉल किया तो उसका कॉल बंद आ रहा था, तो अभी तक उसका फ़ोन बंद है और हम उस बाद में हमारी कुछ बात नहीं हुई, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको सुना देता हूँ, मतलब जो भी उसके कॉल कर रहा है उसको परेशान कर रहा है, उसको बोल रहे हैं कि उसकी लोकेशन दे तो जितना पैसे मांगेगा मैं आपको उतने पैसे दूंगा। वो मतलब रिकॉर्डिंग है, मैं अभी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा आपको, आप वीडियो के एंड तक पूरा वीडियो देखना। वह बोल रहे हैं राकेश को कि आप बोले उतने पैसे ले लेना, लेकिन हमको उसकी लोकेशन दे दे। तो यार ये तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि यार लेकिन हमको पता है कि राकेश भाई ऐसा नहीं करेगा। राकेश ने हमारे पास रिकॉर्डिंग भेजा है तो मैं आपको सुनाता हूँ राकेश उसने क्या क्या बोला है। मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, राकेश ने अभी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग भेजा है थोड़ी देर पहले, क्योंकि अभी मैंने उसको कॉल किया लेकिन उसका कॉल नहीं लगा, तो हम बहुत परेशान हैं। लेकिन भाई हम ये वीडियो नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन क्या करें हम बहुत परेशान हैं, क्योंकि यार हमारी वजह से किसी और को प्रॉब्लम ना हो जाए इसलिए। तो दोस्तों मैं आपको सुनाता हूँ। राकेश बोल रहा हूँ। कहाँ से? सारसोक से। ये चंकू को जानता है? हाँ जानता हूँ, लेकिन बोल रहा है। मैं तो कोई बोल रहा हूँ। नहीं कोई भी कौन बोल रहा है भाई, तेरे क्या काम उनसे? तू बोलना क्या काम तेरे को? पूछ रहा हूँ ना तो। हाँ जानता हूँ फिर। दोस्तों ये बोल रहा है कि तू राकेश को बोल रहा है कि तू बीसी और चिंकू को जानता है क्या? अब बाकी सुना था बाकी क्या बोल रहे, देखना क्या करते हैं। कुछ भी नहीं, मैंने बहन बना रखी है। बहन नहीं क्या तेरी? और बहन नहीं क्या तेरी? नहीं है ना, मैंने धर्म की। देखो दोस्तों उससे क्या बोल रहे कि आपके और बहन नहीं क्या? देखो आपको और सुनाता हूँ। लोकेशन क्या सब कुछ दे दूंगा, लेकिन कौन बोल रहा है तो इसे बता। मैं तो फोन भी बोल रहा हूँ, उसको कर सकता है क्या काम? भाई नहीं कर सकता, पहले तू तेरा नाम बता उसके बाद करूंगा मैं। तू कहाँ रहता है? बैठ के कर लेंगे अपन बात। नहीं बैठ के क्या, तू तो ऐसे फोन भी करना। कहाँ रहता है तू? तेरे क्या काम उससे? दोस्तों ये राकेश को बोल रहा है कि तू मतलब जितना पैसे मांगेगा उतना मैं आपको पैसे दे दूंगा, अपन बैठ के बात कर लेंगे, लेकिन तो लेकिन तू उसकी लोकेशन बता। यार हद होती है यार, वो बोल रहा है कि हम अपन बैठ के बात कर लेंगे, तू कहाँ है मैं आ जाऊँगा। तो यार दोस्तों क्या करें अब बताओ आप। पूछ रहा हूँ तो। मैं तो मेरे गाँव में रहता हूँ, बोल। गाँव में रहता है क्या? तेरे गाँव में आ जाऊँ मैं? आजा मेरे गांव में, आजा बैठ के कर लेंगे अपन बात। नहीं बैठ के नहीं, तू गांव में आया ना तो अपने हिसाब से आना फिर। तो मैं भी तो पूछ रहा हूँ ना तो। अरे तू तो पूछ रहा, क्यों पूछ रहा है? मैं नहीं दे रहा। गर्म क्यों रहा है कि? नहीं मेरी बात सुन, मैं कुछ भी नहीं दे रहा तेरे को। क्यों नहीं दे रहा? नहीं दे रहा, मेरी मर्जी बता। क्यों नहीं दे रहा? नहीं दे रहा तो नहीं दे रहा। तेरी डाल लोकेशन। हाँ तो मैंने बोल दिया ना, मैं मेरे गाँव में हूँ और अभी आजा। तेरे गाँव में? पक्का मिलेगा? हाँ पक्का मिलूंगा। और तो ऐसे बता तू कौन बोल रहा है? तू कौन बोल रहा है? तो कोई भी बोल रहा हूँ, मैं तेरे सामने आ रहा हूँ ना। हाँ तो सामने आ रहा है तो बता दे मेरे को एक बार, बोल भी भाई कौन बोल रहा है। मैं तो कोई भी बोल रही हूँ, क्या काम है? तेरे सामने आ रहा हूँ ना, तेरे गाँव। दोस्त ये बोल रहा है कि मैं तेरे गाँव में आ रहा हूँ और तुम इसी गाँव के अंदर मिल, और वो बोल रहा है कि उसकी लोकेशन बता, और मैं राकेश को कॉल किया हूँ तो, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा,
अगर उसके भी कॉल करूँगा थोड़ी देर बाद में, अगर उसका कॉल मिल जाएगा तो उससे पूरी बात करेंगे बैठ कर कि क्या है क्या बात नहीं, क्या है क्या नहीं है। बहुत परेशान हो रहे हैं हम दोनों, क्योंकि यार हमारी वजह से कोई दूसरा भाई परेशान हो तो अच्छा नहीं लगता यार। तो राकेश से उसका नंबर लूँगा और कल पुलिस थाने में जाऊँगा और इसकी FIR दर्ज करवाऊँगा। क्यों यार, क्यों परेशान कर रहे हो हमको? हमने क्या कर दिया आपका? इस ज़िंदगी से परेशान हो गए हम अब। और मैं सुनाता हूँ, देखो आ जा तो मेरे पास आ जा, तो कुछ भी कर, मेरा लोकेशन वोकेशन कुछ भी नहीं दे रहा मैं तेरे को। मांगेगा जो दूंगा। अरे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को। बोल, तेरे गांव में आता हूँ। हाँ हाँ, मेरे गांव में आ जा तू, पक्का मिलेगा। पक्का मिलूंगा, आ जा। सारसों में रहता हूँ ना। हाँ हाँ, सारसों में रहता हूँ, सवाई माधोपुर जिले का हूँ। आ जा। सारसों में कौन सी जगह रहता है? दूसरों के मोहल्ले में रहता हूँ। और तुम लोकेशन मेरी दे दिया ना, मेरे पास आ जा तू। हाँ तो मैं तेरे से मिलता हूँ, अभी आ रहा हूँ। चाहे कि ना टांगड़े तोड़ दूंगा किसी दिन। अरे किसी दिन क्या, आज तोड़ना? हाँ आज तोड़ूंगा, तू आ जा। दोस्तों इसके बाद में बहुत सारी गालियाँ निकाली राकेश को, और वो गालियाँ मैं आपको नहीं सुना सकता। अभी राकेश को कॉल करेंगे और उनसे पूरी बात लेंगे और आपको जरूर बताऊंगा मैं राकेश क्या क्या बोलता है। तो भाइयों हम वो रिकॉर्डिंग नहीं सुना सकते आपको पूरी, क्योंकि इतनी बुरी गालियाँ निकाल रहे हैं वो, इतनी बुरी कि उसका जवाब भी नहीं है। बहन भाई सब देखते हैं हमारी वीडियो, तो हम किसी को ये गलत प्रभाव पड़ता है उसका, तो हम वो रिकॉर्डिंग आपको नहीं सुना सकते। इतनी बुरी गालियाँ, क्योंकि मैं भी खुद नहीं सुन पाई थी पूरी रिकॉर्डिंग को, तो इतनी बुरी गालियाँ निकाल रहे हो। और भाई वो एक ही बात बोल रहा है कि उसके लोकेशन दे, तू जितनी पैसे मांगेगा उतना दूंगा। इतना दूंगा और क्या है ना, राकेश को भी धमकी मिल रही है। अब चलो हमारा तो क्या है, हमारा कौन नहीं पीछे रोने वाला, हम तो मर भी जाएं तो इस जिंदगी से अच्छा है। लेकिन राकेश के बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको कुछ हो गया तो उसके पूरे परिवार वालों को क्या होगा। उसको पूरी धमकी मिल रही है कि तेरे को मारेंगे अगर उसका नहीं पता बताएगा तो, और उसको पूरा विश्वास है कि वो हमारा तो पता नहीं बताएगा। लेकिन उसको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? पुलिस थाने जाएंगे तो उसकी रिपोर्ट करवाएंगे, क्या करें? हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, किसी को नज़र भी नहीं आती, फिर भी इतनी दूर पड़े हैं, फिर भी हमारे को नहीं जीने दे रहे हैं लोग। हम हमारे हाल में मस्त रहते हैं, हम ना किसी के बारे में कुछ गलत बोलते हैं, ना हम किसी को कुछ बोलते हैं, हम न जाने कैसे कैसे टाइम पास कर रहे हैं, फिर भी यार और नाम भी नहीं बता रहा कि मैं वहाँ से बोल रहा हूँ। बस ये कह रहा है कि तू जितना पैसा मांगेगा उतना पैसा देंगे, बस उसकी लोकेशन दे दे तू। तो अब क्या करें भाई, और राकेश का फोन बंद आ रहा है, हमारे को बहुत टेंशन हो रही है। बस रिकॉर्डिंग भेज के पता नहीं उसका फोन बंद क्यों आ रहा है। मैं पता नहीं भाई उसका फोन बंद क्यों आ रहा है, जब से मतलब उसने रिकॉर्डिंग भेजी और मैं 5-10 मिनट बाद देखा, मैं रिकॉर्डिंग सुन के तुरंत कॉल कर दिया तो उसका फोन बंद बता रहा है, अभी तक भी बंद बता रहा है। मैं आपको कॉल करता हूँ आपके सामने। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है, कृपया। भाई उसका फोन बंद आ रहा है, अब क्या पता उसका फोन कब मिलेगा, क्या पता यार, कुछ समझ नहीं आ रहा हमारे यार। अब उसको कुछ हो गया तो क्या करेंगे, हमारी वजह से भी कोई और को परेशानी हो रही है। और को परेशान तो मत करो, जो भी करना है वो हमारे को कर दो ना, जो भी करना है हमारे कर दो। लेकिन यार जो कोई हमसे मिलने आए तो उनको तो परेशान मत करो आप। अरे हम भी ये वीडियो भी नहीं बनाना चाहते, हमारे को धमकियाँ तो बहुत दिनों से पहले से ही शुरुआत से मिल रही है। लेकिन हमने सोचा कि चलो आप बोल देते कि आपसे हट वीडियो मत बनाओ, आप अच्छे से रहो और शेड वीडियो अच्छी नहीं लगती आपके ऊपर, तो हमने शेड वीडियो बनाना बंद कर दिया। और कोई क्या है ना, विश्वास भी नहीं करता कि ये तो सब मतलब वायरल होने के लिए ऐसे बोलते हैं, ऐसे नाटक करते हैं जिनके, तो हमने मतलब बाहर तो हंसते हैं और अंदर को हमारे दोनों को पता है कि हम कैसे ज़िंदगी काट रहे हैं। का कॉल आ गया तो हम करेंगे, बार बार उसको फ़ोन कर रहे हैं फिर भी फ़ोन नहीं मिल रहा है, तो मतलब उसके घर पर करेंगे, क्योंकि घर वाले पता नहीं वो कहाँ हैं कहाँ नहीं है, तो उसके घर पे करेंगे। अगर उससे बात होगी तो आपको जरूर बताएंगे। क्या करें भाई, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है हमारे को, जो भी करना है वो हमारे को कर दो ना, कोई किसी को क्यों परेशान कर रहे हो। तो दोस्तों अब मैं कॉल करता हूँ राकेश का, अगर कॉल मिल जाएगा तो आपको जरूर उसकी मतलब रिकॉर्डिंग करके आपको सुनाऊंगा कि राकेश ने क्या क्या बोला, राकेश को क्या क्या बोला, तो राकेश उनको क्या बोलता है आपको जरूर बताएंगे। A few minutes later. तो भाई रात के बज चुके हैं 11 और मैं राकेश को कॉल मिला रहा हूँ, और मैंने पहले भी बहुत मिलाया लेकिन उसके कॉल नहीं लगा था, लेकिन और लगा रहा हूँ कॉल, देखें मिल जाए तो मैं कॉल लगाता हूँ राकेश की। हेलो,
तो भाई और राकेश के कॉल लग गया है। हेलो। हाँ जी, तार फोन बंद क्यों रहे दादा? अरे यार, मार फोन बैटरी कौन सी जैसे जी सूर्य को। तो भी यार राकेश तोड़ गुणों तो रहा बोर कम से कम मुतार कतर देर फोन करी फोन बंद हो रही जे। अरे यार बैटरी कौन सी जी सू अर मशिया करी जी मारी बात सुन। हाँ मग भाई जन जी तू बच रही जो अब तो यह बता पहले तो मन्ना तुम्हारे वो भेज जोन का रिकॉर्डिंग भेज जोन मारा है। हाँ तो वो मतलब कौन चो तन कोई मतलब तन लागी भाई कौन चो वो कौन कौन है तन तो लागे लो मैं खूब पूछो तो यार जी मन तो कोई कहीं बताए को ने और मैंने भी देख तुम क्या दे रहे थे कि भाई तारो जीव मुश्किल कर देना यार यार सारे गांव मारी जो पलानो डीकड़ो जो भाई मार तो यू के बोचक भाई तन देख मार साथ भी जो तो हो ली ने मन कोई दिक्कत को नहीं मैं तो कर दूँ कश भी कर लेकिन भाई देख तारी लोकेशन पता चल चुकी थे है ना। अच्छा अच्छा तो मारे तो केवो यो ही थे कि भाई जने जत्रो भी हो ना जत्रो बचर रही हो। अच्छा अच्छा बिल्कुल सही बात है। तो अशियान से जशियान भी खड़े भी रहे होते जशियान भी रहे छोका रहे हो बढ़िया बदर रहे हो दुश्मन काय मालूम कैसी टाइम अटैक कर देख काय कर देख मारी तो दिक्कत मत कर देख मैं तो आवारा आदमी जो करते मैं तो मैं खुद ने संभाल सकू तो अतरो तो यकीन से मैंने बिल्कुल बिल्कुल मन पूछ रहे तो लेकिन जो मत कौन बताए देख मैं खेर का जो मैं तो कर दूँ कैसे हमें कर बचाओ जतरी हो सके लिए अतरो तो मैं कर दूंगा। अच्छा अच्छा अब आगे मान लो भाई कोई और से पूछ ले का है कैसे हमें कर कुरा लोकेशन ट्रेस कर ले का है मालूम कैसे हमें कर को तागड़ पूछ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। तो मैं तो मत ये के बचाऊं तो भाई देने अता से कोई भी मलबाओ जने तो कोई से भी मत मलो बिल्कुल बंद कर दे मलबो। हाँ तो यह सही से बात यार सबसे बेस्ट काम जियो कोई से मत मलो थे जड़े भी रह रहे थे जशियां भी रह रहे थे ना चौका रहे हो अशियान कह रही जो मतो भाई दुश्मन आ को कोई ठिकानो पहुंच देख। हाँ सही से बात दे कोई ना कोई से मल जो मतो अबे अरे मत हो ली ने मत कर लियो मार बचाओ। लेकिन तू भी तारे से आप जो विजय यार क्योंकि तन पतोज तार भी कहीं कर सके यार तन पतोज तन एक राज राज से बुला ले और तार वो रिकॉर्डिंग सुन जब तन तू खेल जितना पीछे दे देगा और यूं और प्लान डेकड़ा तो तू तू भी संभाल रही जो तार भी कहीं कर सके जो। अरे तो मैं कहीं पीसान को बुक हो चुका मैं तुम्हें खूब कमा रही जो पीसा गल्ला पीसा कमा रही जो। नहीं नहीं वह बात कौन लेकिन फिर भी यार तन पतोज भाई आके एक जन बुला ले और कोई धोखाधड़ी कर दे तो तू भी संभाल रही जो। देख मार तो टेंशन मत करे कि बहन चोद मतलब तेरे था को बचाओ करो बस। हाँ मैं तुम्हें को बचाओ कर अब यार का मतलब तेरे अब यार आके चाहो का चाहो ची यार मासूम में का करे जाऊं को यार अब यार तुम्हारे समझ में ना आ रही है भाई चाहो का यार भाई जो जिंदगी जी रहे जो ना जिंदगी जी बात हो ना का मतलब जो जियो और जियो और का एक काम कर जे तुम्हारो का नंबर भेज तू व्हाट्सएप पर ना मत कर दे फोन वोन का भी नहीं तो शायद ट्रेस हो सके कॉलिंग वॉलिंग नहीं मैं मारा सुना करो फोन में तो नंबर भेज जी दे कि पुलिस को मैं कार्रवाई करा करो दे काहे तो करा यार क्योंकि तड़के काहे हो जालो तो तन पतो लपड़ाई जी यार। हां शान से जे मार तो के भी तो भाई कोई चमल जो मत तो बिना पास दो जैसे अभी रहे हो बढ़िया मौज में रहे हो आनंद में रहे हो छोका भाई हो बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी कि राकेश का फोन नहीं मिल रहा राकेश भाई का फोन मिल गया आपने सुनी लिया होगा पूरी बातें तो राकेश भाई का फोन मिल गया है और वो तो कोई और दिक्कत नहीं है राकेश भाई ने क्या क्या बोला वो तो आपने सुन लिया होगा और हम तो ये वीडियो भी नहीं बनाते क्योंकि आप हमारे को पता कि आप कमेंट करोगे कि आप तो किसी की कॉपी करते हो आप भी फेमस होने के लिए ये कर रहे हो क्योंकि हमारे कोई वो शौक नहीं है लेकिन ऐसी धमकियाँ तो हमारे को तो मिलती रहती थी रोज ही तो हमने वीडियो भी नहीं बनाए पहले तो लेकिन किसी और को धमके मिल रही हमारे वजह से किसी और को कुछ हो गया तो हमने प्यार ही किया कुछ गलत थोड़ी ना कर दिया तो इतनी बड़ी सजा दे रहे हो आप ऐसे फोन करके हमारे से मिलने आते हो उसको भी धमकियां देते हो। भाइयों कल राकेश नंबर दे देगा उसका तो हम उसके FIR दर्ज करवाएंगे